आसमान पर के बाहर हालात कुशीदा हैं। डंडा बरदार मुश्तेल कारकुनान का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, तसादुम में पुलिस एहलकार और सहाफ़ी जख्मी हो गए, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। तसादुम से दुनिया मीडिया ग्रुप की DSNG को भी नुकसान, ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस ने PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जमान पार के बाहर रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है। इमरान खान के तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा खुर्शीद। जी हमजा, बताइएगा अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जमान पार की? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो जमान पार के हालात हैं वो वक्त गुजरते साथ साथ बिगड़ते जा रहे हैं। कारकुनान जो है PTI के, उन्होंने बड़ी तादाद में जमान पार की तरफ रुख कर दिया है। डंडा बरदार फोर्सेस जो हैं PTI की, वो इमरान खान के घर का एहसार कर चुकी हैं और उसके अलावा जो है पुलिस ने भी दोबारा पेश रफ्त करना शुरू की है जमान पार के घर की जानब। लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान के घर के बाहर जो हम सुबह देख रहे थे कारकुनान थे, उससे तकरीबन दुगने कारकुनान जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान के घर का जो है वो एहसार किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जराए के मुताबिक दफा 144 फिर से नाफिज की जा रही है शहर लाहौर में। और उसके अलावा जो जराए हैं उनका ये कहना है कि जो सर्विस है इंटरनेट की उसको मुअत्तल किया जाने का अंदेशा है। और उसके अलावा जो जैमर्स हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जराए का कहना है कि कुछ देर में जो है जो करीब के टावर्स हैं मोबाइल के उनको भी बंद किए जाने का खदशा है। अभी के जो हालात हैं वो पुलिस जो है पेशकदमी कर रही है और कारकुनान को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कारकुनान जो है वो धर्मपुरा ठीक है। हमसा हमारे साथ रहेगा, अभी हम बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आप बताइएगा कि पुलिस के साथ कारकुनान के जख्मी होने की क्या इत्तला हैं आपके पास? देखिए, पुलिस का ऑपरेशन वक्फे वक्फे से जारी है और बदतरीन शेलिंग की जा रही है। इस कदर शेलिंग है कि जमान पार के एरिया में सांस लेना भी मुश्किल है। आप देखिए कि कारकुनों ने जगह जगह पर जो है वो आग लगाकर धुआं पैदा किया हुआ है, ताकि इस धुएं की वजह से, आग की वजह से जो आंसू गैस के जहरीले असरात है उनकी में शिद्दत में कमी आ सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि 12 से 13 मुकाम पर इस वक्त आग लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद का धुआं अब बहुत वाजे अंदाज से निकल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो शेलिंग का असरात जो है वो इतने बदतर है कि इमरान खान की जो रहायश है आप उसके घेर तक जाना मुश्किल है। मैंने दो दफा वहां कोशिश की, लेकिन उससे कोई 1000 फीट के फासले से आगे जाके सांस बंद होना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो अब सूरत हाल यह है कि जो PTI की क्यादत अंदर की साइड पर है जमान पार के इमरान खान ने दीजिए रहना, मालूम नहीं कि वो किस कैफियत में अंदर है, क्योंकि इतनी शेलिंग सर्वस रोड पर की गई है कि जिसके असरात यकीनी तौर पर इमरान खान की रिहायशगा के अंदर भी मौजूद है। इमरान खान की रिहायशगा से 1000 फीट के फासले पर सांस लेना मुश्किल है और पुलिस वक्त वक्त से ये शेलिंग और जो लाठीचार्ज अटका रही है और मुख्तलिफ अतराफ में इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है। गेट नंबर 1 पर हो रहा है, गेट नंबर 2 पे हो रहा है, सर्विस रोड जो इमरान खान की रिहायशगा का गेट है उस तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इवन के अपोजिट साइड जो है जमान पार की किनार रोड का जो अपोजिट है उस सड़क के दूसरे पार, नहर के दूसरे पार भी जो है वहां पर भी जो शेलिंग की जा रही है और बदतरीन शेलिंग है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो आंसू गैस के शेल फायर हो चुके हैं और अब तक PTI के कारकुन जो है और इंजन उनमें खवातीन शामिल है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, हमजा खुर्शीद ने भी हमें ज्वाइन किया था और जैन अली ने भी, जो हमें तफसीलन जमान पार के बाहर की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे। पुलिस ने जमान पार्क का घेराव कर लिया, हालात कुशीदा, जमान पार्क और इतराफ में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल, पुलिस की इमरान खान की रिहायशगाह पर शेलिंग, इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। जी राहिल अली, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से अभी आपके पास, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जमान पार्क के बाहर? राहिल से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि जमान पार्क और इतराफ में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, पुलिस की इमरान खान की रिहायशगाह पर शेलिंग का अमल अब भी जारी है, जमान पार्क और इतराफ में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। और आपको बताएं इस हवाले से पथराव भी किया गया है और पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क के बाहर मौजूद है और शेलिंग का अमल भी जारी है, इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। राहिल, बताइएगा आप इस वक्त जमान पार्क के बाहर क्या मनाजिर देख रहे हैं, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, बल्कि ये भी बताइएगा कि इमरान खान के रिहायशगाह के अंदर और बाहर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं उनके साथ?
इस वक्त जमान पार्क के बाहर जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई की मौजूद है। उससे पहले हमने ये देखा कि ऑपरेशन जारी था, मुमकिन जो है गिरफ्तारी इमरान खान के लिए। इसके बाद अब जो है वो धर्मपुरे मुगलपुरे की तरफ से भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रुकावटें बुर करके जमान पार्क पहुंच चुकी है और इस वक्त कारकुनों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जमान पार्क के पास बाहर जो है बढ़ चुकी है। और इस ऑपरेशन के पेश नजर जो है वो जमान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो जो सर्विस है ये जो इंटरनेट सर्विस है वो भी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और इस पर जो है वो अभी भी पथराव और वक्तन जो है वो शैलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। आवाम जो है अब जो है वो दोबारा जमान पार्क की तरफ जो है वो बढ़ने लगी है और इसके बाद कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है, जमान पार्क को चारों तरफ से जो है वो घेरा जा चुका है और जो लीडरशिप है तरीके साहब की वो भी जो है वो जमान पार्क पहुंची है। पुलिस की जानिब से जो है वो रस्ते जो है वो बंद किए गए थे। इस वक्त जो है वो जमान पार्क के ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर भी जो है वो चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त जो है वो कशीदा हालात है जमान पार्क के बाहर जो है वो कारकुनों में और पुलिस में जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जारी है। खवातीन भी जो है वो जमान पार्क पहुंच रही है, कारकुनों को भी जो है वो अपील की गई है। इमरान खान की ने भी का बयान भी जारी किया गया जबकि जो लीडरशिप है उनकी जानिब से भी जो है वो बयान जारी किया गया कि कारकुन जो है वो जमान पार्क पहुंचे जिसके बाद कारकुन जो है वो अब रुकावटें पूर करके जो है वो जमान पार्क का रुख करें। ये जो सुंदर रोड थी जो जमान पार्क को जाती है इसके अलावा जो फाटक लगाया गया था धर्मपुरी पर फाटक था उसको भी जो है वो क्रॉस कर चुकी है वहाँ और अब कारकुनों का सिलसिला जो है वो जमान पार्क की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये बताइएगा कि कारकुनान का भी यानी कि जमान पार्क की तरफ वो लोग आ रहे हैं तो निगोशिएशन की कोई बात नहीं की गई पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का भी यही कहना था कि वो हमसे बात करते तो शायद हम आज खुद खुद गिरफ्तारी भी दे देते। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उस वक्त कहा गया था कि वो जाके आईजी से जो है वो डीआईजी से जो है वो बात करेंगे, तमाम उसके बाद पथराव में डीआईजी ऑपरेशन जो है वो संभालते हैं, वो खुद भी जख्मी हो गए और हालात उसके बाद जो है वो ज्यादा कशीदा हो गए और फिर किसी भी पुलिस अफसर से अब तक जो है वो आखिरी तरह तक जो है वो कोई बातचीत सामने नहीं आ सकी थी क्योंकि उस वक्त जो है वो आंसू गैस बहुत ज्यादा जो है वो शेयर किए गए हैं, पथराव जो है वो बहुत ज्यादा किया गया था। तो हालात ऐसे नहीं थे क्योंकि लीडरशिप जो है वो उस जमान पार्क या दूसरे बाहर निकलता या पुलिस अफसर जो है वो शायद आगे आ पाते, लेकिन अगर ये कोशिश होती कि बातचीत करनी है तो मुमकिन तौर पर बातचीत भी की जा सकती थी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई इतलात जो है वो सामने नहीं आई। कारकुनों की तादाद जो है वो जमान पार्क के बाहर जो है वो बढ़ती जा रही है, पुलिस की जानिब से भी हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है। तमाम अब जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो शैलिंग की जाती है, खवातीन भी जो है वो जमान पार्क जो है वो पहुंच रही है और इसमें जिसे मैंने आपको पहले बताया है कि मुख्तलिफ जगहों से जो पुलिस ने रस्ते रोके थे ताकि कोई लोग जो है वो जमान पार्क की तरफ ना बढ़े वो रस्ते भी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जा रहे हैं। लोगों ने जो है वो मोटरसाइकिलों पर या पैदल जो है वो जमान पार्क का जो है वो रुख करना शुरू कर दिया है। सुंदर दास रोड जो ठंडी सड़क पर जाता है वहां से जो है वो कारकुन बड़ी तादाद में जो है वो जमान पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्मपुरा की साइड से भी जो है वो वक्तन फवक्तन पैदल जो है वो टोलियों की शक्लों पर कारकुन जो है वो जमान पार्क की तरफ जा रहे हैं और अब क्योंकि अंधेरा भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा सुकून जो है वो नजर आ रहा है, शेलिंग की आवाजें भी जो है वो कम हो गई हैं लेकिन कारकुन जो है वो अभी भी मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप जो है वो अंदर मौजूद है इमरान खान के साथ, क्या मुमकिन फैसला होता है गिरफ्तारी के हवाले से वो अभी जो है वो देखना पड़ेगा कि इमरान खान गिरफ्तारी देते हैं या नहीं देते। पुलिस जो है वो ऑपरेशन अपना मुलतवी करती है, ये जारी रहते हैं। तमाम अभी जो है वो सूरत हाल कशीदा ही नजर आ रही है, पुलिस और कारकुनान जो है वो आमने सामने, नेट सर्विस जिससे मैंने आपको कहा है कि वो मुअत्तल कर दी गई है, हेलीकॉप्टर जो है वो जमान पार्क के ऊपर जो है वो ट्राफ में चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की क्या वजूहत पेश की है? राहील अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। ये जो सर्विस के हवाले से जो सूरत हाल है इस वक्त क्योंकि सिग्नल भी ड्रॉप होते हुए आ रहे हैं तो आवाज भी जो है वो बार बार जो है वो क्लियर समझ में नहीं आती। तो जो हुकूमत की जानिब से तो अभी खुद तक कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं आई, ना कोई रद्दअमल इस हवाले से जो है वो सामने आया है कि क्या वजूहत है। बहुत शुक्रिया राहील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चले कि पुलिस ने जमान पार्क का घेराव कर लिया है, हालात कुशीदा हैं।